नमस्कार दोस्तों। तो अब मेरा अगला टॉपिक है शिव का तीसरा नेत्र। कोई पूछ रहा था कि आई थिंक करण पूछ रहा था कि सीरियस तो दूसरे राशि में है और बीटल ज्यूस इस राशि में, या कोई और पूछ रहा था, या मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो शिव का तीसरा नेत्र किधर है? तो ये तो सब वैदिक नाम है, तो एक सेकंड के लिए मैं वेस्टर्न नाम दिखा दूंगा आपको। देखिए, तो ऐसे नाम है पुष्या, ये पुनर्वसु है, ठीक है, ये वैदिक है। तो ये जो डॉग है, ये काल भैरव का जो कुत्ता है, इधर जो ये स्टार है लुब्धका, जो हम देख रहे हैं लुब्धका, वो ही शिव का तीसरा नेत्र है। ओके, पुराने जमाने में राशि नहीं होते थे, तो आपको ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राशि बाद में आए, ग्रीक उस टाइम में राशि आए। ओके, ये मेष हो गया, वृषभ हो गया, पहले आपको ऐसे ही देखना है, ठीक है। राशि एक सेकंड के लिए भूल जाओ, ये कार्तवीर्य अर्जुन शायद, ये अनिरुद्ध है, चित्रलेख है। सो अनिरुद्ध उषा चित्रलेख का स्टोरी आपको पता है, नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। ओके, और ये आरुद्र यानी शिव है, इसको हम आरुद्र बोलते हैं, यही शिव है। ओके, तो इसके हाथ में क्या क्या है, तीर धनुष एंड ऑल दैट, लेकिन उसका थर्ड है इधर है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में वॉच डॉग भी बोलते हैं। ओके, ये आपका हो गया पुनर्वसु, दिति और अदिति, दो बहन। सो दिति से आए सब असुर, अदिति से आए सब आदित्य, ठीक है। सो ये मिथुन राशि में आता है, तो ये भी मिथुन में है, ये भी मिथुन में है, ये कर्क में है, तो इसलिए मैं बोला राशि को भूल जाओ, आप बस तारों को देखो। तो ये आपके दो ट्विन्स हैं, लाइट एंड डार्क। ओके, फिर ये आपका शिव हो गया, शिव का ये तीसरा नेत्र हो गया, ये अगस्त्य है, ठीक है, और ये ब्रह्म हृदय है। अगर इंग्लिश पढ़ना मुश्किल है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ये ब्रह्म हृदय। ठीक है, ये अग्नि है। ये कब, ये जो हम जब बोलते हैं सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार, रात के सबसे लुप्थका जिसको हम बोलते हैं सीरियस बोलते हैं, तो इसको भगवान क्यों माना गया? क्योंकि ये तीसरा नेत्र ऑफ जोड़िया का है। ये लुप्थका जो है, ये एक बाइनरी स्टार, मतलब दो स्टार हैं, सीरियस ए सीरियस बी। तो ये जो तीसरा नेत्र ऑफ जोडियक है, क्योंकि ये बस शिव के इसके पास है, और क्या होता है ना कि जुलाई अगस्त में इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो इट इज़ लाइक आप बोल सकते हैं आकाश गंगा, और आप ये भी बोल सकते हैं जो गंगा जो शिव के सर पे गिरा था, तो ये देखिए ये पानी शिव के सर पे ऊपर गिर रहा है। ओके, सो भगीरथ की वजह से पानी गिरा था, वही गंगा आके धरती पे आई थी। कैसे आई थी ये देखिए, तो ये शिव है और ये उसका तीसरा नेत्र है, तो पानी आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप एक एंगल से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि थर्ड आई ऑफ शिवा। सो ये काल पुरुष
काल भैरव शिव जो है इसके जटाओं से ऐसे आकाश गंगा आ रहा है धरती के ऊपर। कहाँ आ रहा है ये देखिए, आकाश गंगा यहाँ आके पूरा लाल हो जाता है क्योंकि ये धरती है, धरती लाल होती है, ये मूल है। सो मूल कौन है? मूल इज काली। सो कुंडलनी शक्ति जो है आकाश में ऐसे राइज करती है इस गंगा के रूप में, वापस शिव से जाके उसके थर्ड आई में समा जाती है। ठीक है, और कहीं है आकाश गंगा? नहीं, बस इसी पोर्शन में आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसका हम वेस्टर्न एक बार देख लेंगे डायग्राम। तो इसको वेस्ट वाले सीरियस डॉग बोलते हैं, वॉच डॉग हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा नेत्र, इसलिए डॉग है वो, क्योंकि आरिद्र नक्षत्र का जो एनिमल है वो डॉग ही है और मूल का भी डॉग है। डॉग क्यों? क्योंकि वो थर्ड आई को दर्शाता है। ठीक है, कुत्ता का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा चीज़ें देख सकता है, भूतों को देख सकता है, प्रेतों को देख सकता है। और जब सूर्य नहीं होता है आकाश में तो कौन हमें गाइड करता है? नॉर्थ पोल एक गाइड करता है, ये सीरियस, ये ओरायन जो हम बोलते हैं आरित्र, तो मृगव्याध बोलते हैं इसको, हम मृगव्याध भी बोलते हैं। और ये ब्रह्म हृदय, क्योंकि ये सब इंग्लिश नाम है तो लोगों को समझ में नहीं आता कभी कभी। तो ये देखिए गंगा, इसके पैर के नीचे से साई बाबा का पैर, पैर दबाया तो पानी आ गया, तो वो एक्चुअली यहाँ से है स्टोरी। ठीक है, ये एरिडानस यानी गंगा नदी। ओके, दूसरा ऑफ कोर्स मिल्की वे। तो मैं वेस्टर्न को एक सेकंड के लिए ऑफ करता हूँ और इंडियन जाता हूँ। इंडियन वैदिक, जैसे इंडियन वैदिक जाते हैं तो पूरा इसको भाचक्र बोलते हैं। ये देखिए पूरा इसमें से ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये। ठीक है, ये मूल नक्षत्र यानी काली। ओके, ये आकाश गंगा पूरा लाल है इधर। तो आप जब पहाड़ों पे जाएंगे तो ये सब साफ दिखेगा। ठीक है, और सबसे बड़ा जायंट आकाश में जो दिखता है वो ये है शिव, और उसका कुत्ता, ये काल पुरुष और उसका कुत्ता। सो ये काल भैरव हो गया। तो ये सदियों से ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी में ये बहुत इम्पोर्टेंट दिखता है, क्योंकि आकाश गंगा ऐसे आता है। सागरा डायनेस्टी, 60,000 लोग मर गए थे, कपिला वर्णा, कपिला वस्तु, कपिला कपिलारण्य। सो कपिलारण्य इस कैलिफोर्निया जो अमेरिका में है, तो वहाँ तपस्या कर रहा था कपिल मुनि। ओके, तो सागरा डायनेस्टी के लोग से थोड़ा झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने थर्ड आई से उनको जला दिया, फिर गंगा आके उनको मुक्ति दिलाई। ये सारी कहानियाँ इसी आकाश में, आकाश गंगा के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने ये कर दिया। ठीक है, अगर आपको बाकी तारे देखने हैं, जैसे कि ये हो गया आपका ये चित्र नक्षत्र, राजमौली का यही है जो बाहुबली बनाया, RRR बनाया, वो यही है, इसी में उसका जन्म हुआ, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करता है, मतलब काइंड ऑफ, मतलब ही गोज वेरी डिटेल्ड, अटेंशन टू डिटेल ज़्यादा है उसका। ठीक है, तो ऐसे देखना है। तो आपको मैं आज बताया कि शिव का तीसरा नेत्र किधर है। ठीक है, और अगर मैं डेट डालूं तो मान लीजिए अभी अगस्त है, सूरज का ही हम मेनली देखते हैं, सूरज कैसे जा रहा है, सूरज का पाथ क्या है, वो 8 शेप बनाता है सूरज, वो 8 ही इन्फिनिटी, क्योंकि
क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, बेसिकली नेवर एंडिंग स्टोरी, महाचक्र, जो स्टार्टिंग वही एंडिंग है जो एंडिंग है, क्योंकि सर्किल है ना, जैसे घूम घाम के आते रहता है, वहाँ आते रहता है, तो इसलिए वो नेवर एंडिंग स्टोरी है। ठीक है दोस्तों, सो एक बार मैं गूगल में भी जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसको हम आकाश में भी देख सकते हैं। देखिए आकाश गंगा, आकाश गंगा में आपको पूरा शिशुमारा, तीसरा नेत्र, ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वॉच डॉग वो मैं दिखाने वाला था। वॉच डॉग मतलब पुलिस वालों को, पुलिस वाले के हाथ में जनरली कुत्ता होता है, राइट? वो सर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो आरिद्रा इज ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर। तो नरक यानी हम जहाँ हैं, धरती भी बोल सकते हैं, धरती भी नरक है। तो क्योंकि देखिए जब आप जन्म लेते हैं तभी आप नरक में आ जाते हैं, धरती लोक में जब आते हैं तो, राइट? तो जब से जब आप वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बाद वो गेट ऑफ हेवन जब आप निकलेंगे, तो मतलब डेथ होने के बाद, ये देखिए इसीलिए हम इसको वॉच डॉग बोलते हैं। वॉच डॉग क्यों? क्योंकि वॉच डॉग का मतलब है जो हर समय देखता रहता है, राइट? तो रिवर ऑफ सोल्स हो गया ये, इसी रिवर ऑफ सोल्स के ऊपर शिव का पैर है, शिव ने ब्रह्मा का पांचवा सर काट दिया। ओके, ये शिव का नंदी है, ये मैं बताना भूल गया। सो नंदी ये है, ये आपका शिव है, और ये शिव का काल भैरव। हाँ, तो काल भैरव मुझे दिखाना था, एक सेकेंड। उसके पीछे है, देखा? आपको कभी लगा क्यों शिव के पीछे ऐसे खड़ा है, काल भैरव के पीछे क्यों कुत्ता खड़ा है, इधर क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि आकाश में शिव के पीछे कुत्ता खड़ा है। आप समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों,